अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू यूएम व्लॉग्स। आज ये मेरा फर्स्ट एक व्लॉग है इस बाइक के ऊपर, और मेरा पुराना चैनल था कारमेनिया, मैंने उसका नाम अब चेंज कर दिया और इसका नाम रख दिया यूएम व्लॉग्स, क्योंकि ये मैं स्टोरी आपको चलते चलते सुनाऊंगा। और जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये मेरा बाइक है ज़िप्को KPR 200। आज थोड़ा सा मैं आपको इस बाइक के बारे में बताऊँगा, अपना इंट्रोडक्शन दूँगा और ये बताऊंगा कि मैंने कारमेना चैनल का नाम क्यों चेंज कर दिया, उसको कारमेना चैनल को मैंने क्यों छोड़ दिया। तो अब अपनी वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके अंदर फ्यूल बिल्कुल भी नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी कम। ये बाइक अभी फुल टैंक के अंदर 418 किलोमीटर चल चुका है और अब मैं इसका टैंक रिफ़िल कराने जा रहा हूँ पेट्रोल पंप पर। और अभी सुबह के ऑलमोस्ट 6:30 हो रहे होंगे, 6 से 6:30 के दरमियान टाइम होगा इसका, और आज इसको मैं अभी रिफ़िल करवाने जा रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अब मेरे इंट्रोडक्शन के साथ। तो मैं अपना नाम बताता हूँ, मेरा नाम है उमर ताहिर, और मेरे दो चैनल्स हैं, एक है बाइक मेनिया और एक है कार मेनिया। बाइक मेनिया मैंने बनाया था, वो अल्लाह का शुक्र है मेरा काफ़ी अच्छा चल गया, और उसके बाद मैंने कह सकते हैं कि ऐसे ही जोश में आकर मैंने कार मेनिया भी बना लिया था। एक हफ़्ता मैंने उस पर मेहनत की थी सिर्फ, उसके बाद मेरा दिल नहीं करता था उसको बनाने का। आप ये कह सकते हैं कि मैं एक हूँ बाइक लवर। बाइक लवर जो होता है वो गाड़ियों की तो वीडियो नहीं बना सकता, जब तक आपके पास शौक ना हो गाड़ी का आप वीडियो नहीं बना सकते। और मेरे साथ वही सीन हुआ, शुरू की मेहनत मैंने की, शुरू के ऑलमोस्ट एक हफ़्ता मैंने मेहनत की थी उस चैनल के ऊपर, जिस चैनल के ऊपर अभी वीडियो अपलोड होगी, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया उसके अंदर। फिर मैंने सोचा कि मैं क्या करूं ऐसा, और उस वक्त मेरे पास ये बाइक भी नहीं था। फिर मैंने उस चैनल को ऑलमोस्ट एक से दो महीने के लिए छोड़ दिया था, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता कभी कभी कोई अपने ही चैनल की एक दो वीडियोस उठा के इसमें डाल देता, और उसके अलावा जैसे ही प्राइसेस होंडा यामाहा या सुजुकी इनकी जब प्राइसेस बढ़ती थी तो वो मैं पोस्ट कर देता था अपने कार मेनिया के ऊपर। लेकिन अब जो काम आप बाइक मेनिया के ऊपर कर रहे हो वही आप इसके ऊपर तो नहीं कर सकते ना, तो फिर मैंने वो काम छोड़ दिया। और फिर मैं सोच रहा था क्या करूं, फिर अल्लाह ताला ने मुझे ये बाइक दिया। फिर इस बाइक को भी अभी मैंने ये बाइक लिया था दिसंबर के अंदर, December 31, 2019 ये बाइक मैंने तब परचेज़ किया था। और अब मैंने फिर सोचा कि मैं अपना जो कार मिली है उसका नाम चेंज करके उसकी जगह रख दूँ UM Vlogs, क्योंकि बाइक्स का तो मुझे वैसे शौक है और मेरे पास ये बाइक भी है। और इंशाल्लाह आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा फर्स्ट। तो मैंने अपना कार मिलने का जो नाम है, जो चैनल है, उसका नाम चेंज कर दिया है, और अब कार मिलने की बजाय मैंने उसका नाम रख दिया UM Vlogs, जिसके ऊपर अब इंशाल्लाह आपको वीक में एक दफ़ा या फिर दो वीक्स बाद ऐसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा इंशाल्लाह मैं यहाँ ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँगा, और ऐसे ही हर हफ्ते या तो एक वीडियो आएगी या दो हफ्ते बाद एक वीडियो आएगी इंशाल्लाह। मेरा तो इंट्रोडक्शन हो गया और मैंने आपको ये बता दिया कि मैंने अपना चैनल का नाम क्यों चेंज किया। अब आते हैं मेरे बाइक की तरफ। तो ये जो बाइक है ये है लिबान KPR 200। ये बाइक एक ज़िप्को ने लॉन्च की है, और ज़िप्को के अलावा ज़िप्को ने ये लॉन्च की थी ऑलमोस्ट 2017 के अंदर, और उस वक्त जो इस बाइक की प्राइस थी वो थी
2,45,000 ऑलमोस्ट। और इसके बाद अगर आप इस बाइक की प्राइस की बात कीजिए तो ये बाइक उस वक्त 2,45,000 का था, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी प्राइस बढ़ती गई, और बढ़ते बढ़ते ये अब पहुंच चुका है 3,25,000 के अंदर। अभी तो इसकी 3,25,000 रुपीज़ प्राइस है जिस शोरूम से मैंने पता किया, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि कुछ शोरूम्स के ऊपर किसी बाइक की प्राइस आपको मिलेगी 3,45,000, 3,50,000। और मैंने ये बाइक जो लिया था, ये बाइक मैंने यूज़ में लिया था, ये बाइक मैंने न्यू नहीं लिया था, ये बाइक मैंने लिया था यूज़ के अंदर, तो मुझे काफ़ी अच्छी कंडीशन में मिल गया। ये 2019 मॉडल है, सिम्को KPR 200 2019 मॉडल। अब जो मैं आपको लिखा एक और बाइक के बारे में बता रहा था, एक तो सिम्को ने लॉन्च किया था और एक लॉन्च किया था रैपिड राइड्स ने, मंगवाया था अपने पास, वो ओरिजिनल लिफान KPR 200 है जो रैपिड राइड्स वालों ने मंगवाया था। उस बाइक की जो आपको प्राइस मिल रही है वो लगभग 4,25,000 से लेकर 4,50,000 के दरमियान उसकी लेटेस्ट प्राइस चल रही है, मुझे कन्फर्म नहीं है लेकिन इसी रेंज के अंदर ही है। उसका और इसका अगर मैं कंपैरिजन करूँ इस बाइक और उस बाइक का, अब क्योंकि इस बाइक को लॉन्च किया था सिम्को ने, तो सिम्को ने जब इस बाइक को लॉन्च किया, इस बाइक के अंदर उन्होंने कुछ पार्ट्स की तब्दीली कर दी, खासतौर पे इंजन के पार्ट्स की थोड़ी सी तब्दीली हो गई। इंशाल्लाह जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग होगा उसमें मैं आप इस बाइक का एक प्रॉपर आपको रिव्यू भी दूंगा, फिर आपको सही समझ आएगी। इस बाइक के अंदर उन्होंने थोड़े से पार्ट्स की चेंजिंग की, इंजन पार्ट्स की चेंजिंग की, तो इस वजह से ये बाइक उस तरह परफॉर्म नहीं करता जिस तरह इसको करना चाहिए, जिस तरह एक लिफान KPR 200 करता है। जबकि जो आपको रैपिड राइड्स वाले दे रहे हैं बाइक, वो बाइक जो है वो ओरिजिनल लिफान KPR 200 है विदाउट एनी चेंजिंग, उस बाइक के अंदर कोई चेंजिंग नहीं की गई होगी, कोई चेंजिंग नहीं की होगी। तो वो बाइक उसका जो गेयर बॉक्स है वो भी ज़रा स्मूथ है, आपको मेरे डिफरेंसेस बता देता हूँ जो मुझे पता है। तो उस बाइक का जो गेयर बॉक्स है वो इस बाइक की गेयर बॉक्स ज़्यादा स्मूथ है, लेकिन मैं बता देता हूँ इसका जो गेयर बॉक्स है वो थोड़ा सा हार्ड है, इतना मज़ा नहीं आता लेकिन फिर भी सही है। उस बाइक का गेयर बॉक्स स्मूथ है, क्लच स्मूथ है, उसके अलावा उसकी पेट्रोलियम भी ज़्यादा अच्छी है क्योंकि इंजन पार्ट्स की ज़्यादा तब्दीली नहीं की गई, उसकी परफॉर्मेंस आपको ज़्यादा अच्छी मिलेगी, और भी डिफरेंट फीचर्स हैं उसके। तो इस बाइक का जो ओवरऑल रिव्यू है वो तो मैं आपको दूंगा अपने नेक्स्ट बाइक। जो हाईओक्टेन पेट्रोल है वो आजकल ज़रा सस्ता हुआ है, पूछते हैं कि वाकई सस्ता है, क्योंकि मैंने इसको हाईओक्टेन से रिफ़िल करवाना है। बीच में मैं इसमें मिक्स भी करवाता रह गया हूँ लेकिन अब मैंने इसमें हाईओक्टेन से फिल करवाना है। नहीं है, लो जी यहाँ तो पेट्रोल नहीं है, अब हमें जाना पड़ेगा पीछे, आगे भी चेक। रिफ़िल नहीं करवाते शेल से क्योंकि मैंने रिफ़िल से अपने घर के करीब ही है, अभी शेल का वहाँ से मैं रिफ़िल कराते रहेंगे, यहाँ पर
मैं हूँ कि ESO है और आयोटेन जो है वो थोड़ा सा सस्ता हुआ, मैंने कहा चलो यहाँ से इसको रिफ़िल करवा के देख लेते हैं, लेकिन अभी तो सब क्लोज है, फिर वापस चलेंगे। और आपको इस सारी बातों में बीच में ये बताना तो भूल ही गया कि ये है मुल्तान शहर जहाँ मैं रहता हूँ, और जो मुल्तानी होंगे उनको तो पता लग जाएगा कि मैं अभी कहाँ फिर रहा हूँ। पीछे चलेंगे और जो वहाँ शेल पंप है उससे रिफ़िल करवाते हैं, चलते हैं शेल पंप से रिफ़िल करवाते हैं। चलो जी यहाँ से वापस चलते हैं। इस बाइक को मैं स्लो नहीं चलाता, इस बाइक को मैं हमेशा भगा के चलता। अभी स्लो चला रहा हूँ क्योंकि एक तो पेट्रोल कम है, ऊपर से यहाँ से मैंने पेट्रोल डलवाना था PSO से, लेकिन यहाँ पेट्रोल अवेलेबल ही नहीं है। अब जाना पड़ेगा पीछे जहाँ से आए थे वहीं पर ही अब शेल पंप से पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। मैंने अपने माइंड में ये सोचा हुआ है कि इस बाइक को जितना मर्जी मैं खींच लूँ, जितना मर्जी खींच लूँ, इसने 400 किलोमीटर तो चलना ही चलना है जो मर्जी, और ये बाकी चलता भी है, तो 400 के बाद मुझे टेंशन लग जाती है। असल में अब 427 किलोमीटर चल गए हैं इस बाइक को, और मुझे अब ये टेंशन लगी थी, 2 पॉइंट्स तो हैं पेट्रोल के, लेकिन फिर भी बंदे को टेंशन रहती है कि पेट्रोल खत्म ना हो जाए। अभी भी ऑलमोस्ट 1.5 से 2 लीटर के ऑलमोस्ट इस बाइक के अंदर पेट्रोल होगा, लेकिन मुझे वैसे टेंशन लग रही है पेट्रोल वगैरह खत्म ना हो जाए। से पहले यहाँ लगाया गया है आई लव मुल्तान चुंगी नंबर 9। यार हाईऑक्टेन क्या लीटर चल रहा है, हाईऑक्टेन क्या लीटर चल रहा है? 129 है। हाँ। अच्छा कितना करना है फुल?
ज़्यादा 50 रुपये कुल लग दे, 50 रुपये कुल लग जाते। ये नाइट है आपका, दो सौ ठीक है। आने दो थोड़ा और आने दो, 150 चलो 60 तक आने दो। फुली हो गया, 12 लीटर 1500 जैसा मैंने सोचा था घर से। गाड़ी मजा दे रही है भाई? हाँ जी बहुत मजा दे रही है। क्या एवरेज है इसकी? 35। खूबसूरत बनाई है गाड़ी जी। जी हाँ, टॉप स्पीड इस बाइक के अंदर जो मुझे मिली है अभी तक 135 तक तो भगाया। जान में जान आई। तो ये था मेरा आज का व्लॉग इस बाइक के ऊपर। इंशाल्लाह अब आपको हफ्ते में एक बार या हफ्ते में दो बार व्लॉग्स मिलते रहेंगे इसके अंदर। और इस व्लॉग के अंदर मुझे कमेंट करके, कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।